सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भूसरी रिटर्न की डेट को एक्सटेंड किया है, तो उसी को हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे सामने है सर्कुलर नंबर 9 डेटेड 20th of May। इसमें सबसे पहले डेट एक्सटेंड हुई है SFT की। सबसे पहले बात, SFT फाइल कौन करता है? बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें जाता क्या है कि बहुत सारी नोटिफाइड ट्रांजेक्शन है जो बैंक को अपरेंटली रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स में, जैसे सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हुआ हो, या करंट अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल या डिपॉजिट हुआ हो, या 2 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हुई हो। बहुत सारी ट्रांजेक्शन इसमें नोटिफाइड है और बैंक को इसको 31 मई से पहले फाइल करना पड़ता है, और इसी को डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है। इसी तरह रिपोर्टेबल अकाउंट, इसकी डेट भी 30 जून हो गई है। सबसे मेन TDS, क्वार्टर फोर की TDS की डेट एक्सटेंड हो गई है। क्वार्टर फोर 2021 TDS रिटर्न की डेट होती है सर 31 मई, इसी को एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक। लेकिन एक मेन बात है, इसमें TCS तो नहीं आया अब तक, तो हम तो यही मानने की TDS की डेट एक्सटेंड हुई है, TCS की नहीं। TDS सर्टिफिकेट भी डेट एक्सटेंड हो गया, क्योंकि TDS की डेट एक्सटेंड हुई तो इसका सर्टिफिकेट भी लेट आएगा, तो ये 15 जुलाई हो गया। 15 दिन का टाइम होता है जनरली। TDS TCS बुक एडजस्टमेंट, गवर्नमेंट TDS TCS बुक एडजस्टमेंट, गवर्नमेंट डायरेक्टर को बाई बुक एंट्री TDS या TCS जमा करवाना होता है, और उसकी लास्ट डेट 15 जून थी, उसको 30 जून कर दिया। अब आया स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। जब भी ट्रस्टी ऑफ अप्रूव्ड सुपरेनेशन फंड कोई पेमेंट करता है, तो उसको डिडक्शन ऑफ टैक्स की स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, और वो उसकी डेट भी 31 मई से 30 जून हो गई है। अब आया फॉर्म नंबर 64D। वेंचर फंड जब भी कोई पेमेंट अपने यूनिट होल्डर को करते हैं, तो 64D और 64C में रिपोर्टिंग होती है, उनकी डेट भी 15 जून से 30 जून, 30 जून को 15 जुलाई, 15 दिन एक्सटेंड किया गया है। अब आया सबसे मेन ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22, लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, उसको एक्सटेंड किया 30 सितंबर 2021 तक, और 2 महीने एक्सटेंड हुआ है, और रीजनेबल बनता है, क्योंकि आज के दिन हम 21-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और नया पोर्टल 6 जून के बाद एक्टिव होएगा, तो 6 जून तक हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 2 महीने डिपार्टमेंट डिले कर रहा है, उतना ही एक्सटेंशन दे दिया, इक्वल है, ना कम है ना ज़्यादा है। ऑडिट की डेट को 1 महीने बढ़ा दिया, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर। अब आई ड्यू डेट ऑफ 92E, ट्रांसफर प्राइजिंग, इसकी ऑडिट भी 31 अक्टूबर से 30 नवंबर कर दी। और अब बात रही जिनकी टैक्स ऑडिट होनी है, उनकी डेट होती है ITR के लिए 31 अक्टूबर, उसको एक्सटेंड कर दिया 30 नवंबर तक। और जिनकी ट्रांसफर प्राइजिंग ऑडिट होती है, उनकी ITR की डेट होती है 30 नवंबर, उसको एक्सटेंड कर दिया 31 दिसंबर तक। साथ में गवर्नमेंट ने एक और डेट एक्सटेंड की है, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न असेसमेंट 21-22। असेसमेंट 21-22 की रिटर्न हम रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक, या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक। इसको भी इसी नोटिस सर्कुलर में एक्सटेंड कर दिया 31 जनवरी तक। गवर्नमेंट ने पहले एक्सटेंड कर दिया, 1 महीने का टाइम इसमें भी बढ़ा। इस बार डिपार्टमेंट ने टाइमली ही इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी, और रीजन भी बनता है कि अब तक पोर्टल रेडी नहीं है, तो आपके एंड पे डिले है, तो सेसी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, वो टाइमली दे दिया है। और नए पोर्टल पे कुछ फंक्शन आएंगे, उसकी भी नोटिफिकेशन आने वाली है, वो आते ही हम उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।